नमस्कार, मैं शालिनी आनंद, मैं उपस्थित हूँ आज लखनऊ के बीबीयू यूनिवर्सिटी में। यहाँ पे एक एनजीओ है, आप देख सकते हैं सेंटर फॉर एजुकेशन एंड हेल्थ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन दिल्ली से। ये एक एनजीओ है, ये लगातार जब से लॉकडाउन हुआ है तब से ये लगातार जितने भी गरीब मजदूर या जितने भी गरीब प्रवासी मजदूर हैं इनकी मदद लगातार कर रहे हैं। इनकी ज़रूरत की चीज़ों के से लेकर राशन से लेकर जितनी की ज़रूरतमंद चीज़ें हैं उनको वितरित कर रहे हैं, इनकी मदद कर रहे हैं। लॉकडाउन बराबर इनके साथ खड़े हुए हैं। और आज लखनऊ में कई बार डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है तो आज भी यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। यहाँ पर हाइजीन से रिलेटेड चीज़ें हैं और उनके खाने पीने से रिलेटेड चीज़ें हैं, जितनी ज़रूरतमंद चीज़ें हैं वो डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है एनजीओ के थ्रू, गरीब मज़दूरों के लिए उनकी मदद की जा रही है। आपको मैं दिखाऊंगी, यहाँ पे मैं बात करती हूँ, यहाँ पे जो महिलाएं हैं पुरुष हैं उनको, जो गरीब मज़दूर हैं उनको बराबर मदद की जा रही है। आइए मेरे साथ, मैं दिखाती हूँ, बात करती हूँ आपसे। क्या नाम है आपका? जगदेव। अच्छा, क्या क्या मिला है आपको यहाँ पे? बिटिया हमने देखा नहीं क्या क्या इसमें सब सामान है, वही कुछ। क्या करते हैं आप? सफाई काम करते हैं यहाँ यूनिवर्सिटी में जी। अच्छा, तो ये सारी चीज़ें आपको ज़रूरत की हाइजीन से रिलेटेड चीज़ें मिली हुई हैं, ठीक है। इसमें आप घर पे जाके इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। आपको कैसा लगा यहाँ पे इन लोगों ने जो मदद किया? अच्छा लगा है। अच्छा लगा आपको? अच्छा लगा बिटिया, क्योंकि ऐसे लॉकडाउन के दौर में आप लोगों की मदद कर रही हैं तो एक तरह से आपकी मदद है। हाँ, अच्छा है बेटी। रहते हैं इसमें हाथों को पहनने का है बेटिया? हाँ, इसमें सारी ज़रूरत की चीज़ें हैं आपके, हाथ में पहनना जाता है जो। हाँ, ठीक है भाई, लगाएंगे बॉडी में, लगाएंगे हाइजीन से रिलेटेड, सुरक्षित रहेंगे आप, ठीक है। काम करते हैं। मैम क्या नाम है आपका? मैं सुमन सिंह। यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, जो हाइजीन से रिलेटेड चीज़ें दी जा रही हैं आपको, कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, क्या कहना चाहेंगी एनजीओ के बारे में? मुझे ये है कि अच्छे प्रोडक्ट हैं, हम लोग को यूज़ करने का मौका मिल रहा है, है ना। तो हम लोग यूज़ करके कुछ तो बेनिफिट हमें भी प्राप्त हो रहा है इससे, है ना। तो थोड़ा ये होगा कि अच्छा लग रहा है, और हमारे जितने स्टाफ को आप लोग ने दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और आप यहीं के रहने वाली हैं? हाँ, हम प्रॉपर लखनऊ के ही हैं, रहने वाले हैं। यहाँ पे जॉब कर रही हैं? हाँ, यहाँ मैं सुपरवाइजरी में हूँ। हाँ, अच्छा लगा ना? हाँ, बहुत अच्छा हुआ, और बहुत अच्छा लगा कि हमारे भी कर्मचारी को कुछ थोड़ा सा बेनिफिट हुआ इस चीज़ के बारे में। वो इस चीज़ को यूज़ करेंगे, इसका मतलब जानेंगे कि इसके क्या प्रयोग है, है ना। लॉकडाउन के चक्कर में जिस तरह से मंदी हुई और लोग गरीब मजदूर जो परेशान हैं, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? उस पर ये हम कहना चाहेंगे कि देखिए, इस गरीबी की वजह से लोगों के कमियाँ तो हर चीज़ की हुई हैं, है ना। कि अब ये जो प्रोडक्ट आपने दिया है, इससे ये कि उनमें सफाई का भी वो है, इसमें सॉप वगैरह आपने दिया है, सफाई से हाथ वगैरह धो सकते हैं, हैं। और किसी तरह का उनको बैक्टीरिया से बचने का कुछ तो इसमें उपाय भी होगा, है ना। कमल कुमार, क्या क्या चीज़ें मिली हैं आपको? मैम इसी में जो है, हाँ मतलब हेल्थ से रिलेटेड, हाइजीन से रिलेटेड चीज़ें हैं ना। कैसा लगा आपको? ठीक है मैम, बढ़िया। मदद मिली, क्या करते हैं आप? सफाई का काम करते हैं। सफाई काम करते हैं जी। काम कौन घर पे है? कहाँ के रहने वाले? यहीं के रहने वाले? नहीं, यहाँ का तो नहीं, बाहर का, चित्रकूट। मतलब यहाँ रह के आप काम करते हैं? जी। अच्छा, और आपको कैसा लगा? अच्छा लगा। आपके घर में कौन कौन है? हम अकेले हैं यहाँ पे, बीवी बच्चे गांव के। बीवी बच्चे गांव में? गांव के। यहाँ पे आप सिर्फ सफाई के काम करते हैं? कर्मचारी है जी, करते हैं काम का। तो ये मदद मिली आपको एनजीओ की तरफ से, तो एनजीओ की तरफ से क्या कहना चाहिए? बढ़िया, अच्छा है, बढ़िया। जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया कि यहाँ पे एनजीओ के थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था, हाइजीन से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट की जा रही थी। जो स्वीपर्स हैं, गरीब कर्मचारी हैं, उनको डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा था। लगातार लॉकडाउन जब से लगा हुआ है तब से ये एनजीओ गरीबों की मदद कर रहा है, राशन से लेकर उनकी हेल्थ से रिलेटेड लेकर मेडिसिन से लेकर सारी चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। और आज लखनऊ में हमारे साथ उपस्थित हैं डॉक्टर प्रेम चंद्रा जी, लखनऊ से, जो इस एनजीओ के थ्रू लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। मैं सबसे बात करती हूँ और जानती हूँ इस एनजीओ के माध्यम से जो ये डिस्ट्रीब्यूशन करें इसका उद्देश्य क्या है। सर, आप अभी लगातार मैं देख रही हूँ आपको, लगातार आप डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं गरीबों को, तो ये आपको क्या उद्देश्य था आपका? मैम इसका उद्देश्य ये है कि जो गरीब हैं, स्वीपर क्लास के लोग, जिनको एसेंशियल कमोडिटी नहीं अवेलेबल हो पा रही है लॉकडाउन में, तो हमारा जो हिमालय के सपोर्ट से उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं थ्रू सेंटर फॉर एजुकेशन एंड हेल्थ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन न्यू दिल्ली, जो कि एक बच्चों के लिए और गरीब तबके के लिए एक संस्था है, एजुकेशन से और मेडिकल से फैसिलिटी से लेकर, तो उसके उसमें हम सहयोग कर रहे हैं।
लगातार। कितने लाभान्वित हुए अभी हमारा ये जो इस कार्यक्रम में, इससे पहले हमारा हुआ था तो उसमें मैंने जो एसेंशियल कमोडिटी में फ्लोर वगैरह जो था, खाद्यान्न जो था वितरण किया था, उसमें कम से कम 500 फैमिली मैंने लखनऊ से डिस्ट्रीब्यूशन किया था, वो भी जो है स्वीपर क्लास में उनको हमने वरीयता दी थी, और इसमें भी मैं उन्हीं को वरीयता दे रहा हूँ। लगभग आज हमने 200 फैमिली के लिए इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया है। अभी तक कितना डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है लॉकडाउन से लेकर? लखनऊ में मैं करीब करीब 1000 फैमिली को मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया है, खाद्यान्न और इसको मिला के टोटल, ठीक है। और उसका बाकी जो सेंटर है इलाहाबाद में और दिल्ली में भी चल रहा है, तो वहाँ पर भी उसका अलग अलग डेटा है, तो वो डेटा इससे ज़्यादा है। इसके मेन कौन है? मेन है इंजीनियर सुरजीत सिंह, जो दिल्ली में, ये संस्था दिल्ली से है और दिल्ली में इनका हेड ऑफिस है, वहीं से जो है ये पूरे इंडिया में जो है कार्यरत करवा रहे हैं इसका, तो इंजीनियर सुरजीत सिंह इसके मेन संस्थापक हैं। तो देखा आपने कि लगातार ये एनजीओ लगातार गरीबों की मदद कर रहा है और लगातार डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है गरीबों से लेकर, सर ने अभी बताया। सर ये राशन वितरण से लेकर जितनी भी चीज़ें हैं वो लगातार आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, आज जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ इसमें क्या क्या चीज़ें? इसमें जो है टूथपेस्ट है, ब्रश है, सोप है, और जो इसेंशियल कमोडिटीज़ हैं, बेसिक जो होते हैं फैसिलिटी या सफाई से संबंधित जो हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूशन किया है। लखनऊ में कितने जगह पर हुआ है? लखनऊ में आज मैंने 2 जगह पे किया है, पहली बार मतलब आज स्टार्ट किया है तो 2 जगह पे किया है, तो लगभग 200 फैमिली का आज जो है वितरण किया है। तो 200 फैमिली में मेनली मैंने स्वीपर क्लास को उठाया है, जिनके लिए ये अति आवश्यक है, सफाई से संबंधित है, इसलिए उनके लिए ज़्यादा आवश्यक है। लॉकडाउन के चलते आप पूरे जितने भी भारत के लोग हैं उनको क्या कहना चाहेंगे अपने एनजीओ के माध्यम से, हमारे दर्शकों को? अपने एनजीओ के माध्यम से कहना चाहेंगे कि स्टे होम की बात तो सभी लोग कर रहे हैं, लेकिन मैं सफाई की बात करूंगा, क्योंकि हमने ये देखा है कि जो मेन सब डिस्ट्रीब्यूशन तो सब कर रहे हैं, लेकिन जिनको ज़रूरत है, जैसे स्वीपर है, वो दिन भर क्या करता है कि इसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म में सफाई में काम करता है, तो पता नहीं कितना टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म उससे संबंधित होता है, तो उसे जो इसेंशियल सफाई से संबंधित चीज़ें हैं उसे अवेलेबल नहीं हो पाती हैं, ना तो उसको ज़्यादा पता होता है, तो उसका मैंने ये ज़रूरी समझा था, तो हमें एक सपोर्ट मिला हिमालय का, उनके सपोर्ट से, उनके सहयोग से हमने इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया है। आप देख रहे थे हमारे साथ, मैं शालिनी आनंद, समय 24। और को लाइक शेयर सब्सक्राइब।